आपने विमानों में, समुद्री जहाजों में, पानी के नीचे हुए पैरालैंडिंग करते हुए शादी की कई दास्तान सुनी और देखी भी होंगी, लेकिन एक ऐसी भी शादी हुई जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल चंद्रपुर जिले में हुई इस शादी में दूल्हे दूल्हे की जगह एम्बुलेंस में सवार होकर मंडप में तक पहुंची। दरअसल सब कुछ परिस्थिति में चलते हुआ है। बुधवार को चंद्रपुर जिले में चिंता धाबा में गणेश आत्राम और वैशाली सोमा की शादी थी। हालांकि शादी में भागदौड़ में एक दिन पहले अचानक वैशाली की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऐसे में शादी में सभी मेहमानों के रिश्तेदार में मन में यह सवाल आया कि अब शादी होगी या नहीं। दुल्हन के पिता ने शादी समारोह का रद्द करने का फैसला किया था, लेकिन ऐसी मुश्किल परिस्थिति में दूल्हे के पिता ने आगे आकर दुल्हन के पिता को सांत्वना दी और इसके बाद फैसला हुआ कि इसी परिस्थिति में भी वे सादगीपूर्ण तरीके से शादी करेंगे। दुल्हन और दूल्हे के परिवार के साथ आकर अद्वितीय तरीके से शादी करने का फैसला किया। दुल्हन को अस्पताल से एम्बुलेंस के शादी मंडप तक लाया गया और सभी मेहमानों को के समक्ष शादी की गई। छोटे छोटे कारणों से कई शादियां टूटने का प्रकार हम देखते हैं। हालांकि मुश्किल परिस्थितियों में एक दूसरे को प्रोत्साहन करके दोनों परिवार ने करने का इस शादी की बड़ी प्रशंसा की जा रही है। जय इंडिया न्यूज के लिए टैक्स रिपोर्ट। Audio Jungle.